आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सबकी निगाहें शपथ ग्रहण पर है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर है। वहीं कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए गए, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। शपथ 2.0 की तैयारी, 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी, इकाना स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम की तैयारी, विधायक दल की बैठक में होगा अहम फैसला, उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब प्रदेश में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक 24 मार्च को विधायक दल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। सभी विधायक उनके नाम पर सहमति जताएंगे और फिर 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। 24 मार्च को शाम 4 बजे लोक भवन में विधान मंडल दल की बैठक आयोजित होने वाली है। बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधान मंडल दल का नेता चुने जाने से लेकर डिप्टी सीएम को लेकर भी अहम फैसला हो सकता है। इसके बाद 25 मार्च को लखनऊ में शहीद पद पर स्थित इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। शपथ ग्रहण समारोह की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल, रक्षा मंत्री व बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे शामिल, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के जुटने की भी उम्मीद, 12 राज्यों के सीएम को भेजा गया न्योता, कार्यकर्ताओं को भेजे गए 12 सूत्रीय दिशा निर्देश। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं 24 मार्च से राजधानी में शपथ ग्रहण समारोह के लिए कार्यकर्ताओं का लखनऊ पहुंचना शुरू हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी में लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। भाजपा में इस बार शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए कार्यकर्ताओं को बाकायदा 12 सूत्रीय दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसमें समारोह में आने वाले कार्यकर्ताओं से अपनी गाड़ियों में पार्टी का झंडा लगाकर आने को कहा गया है। यूपी विधानसभा में प्रचंड जीत के साथ लौटे योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी जुट गई है। इसके लिए पार्टी स्तर से पत्र भी भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में आने वालों को अपने वाहनों पर पार्टी का झंडा लेकर आने को कहा गया है। सभी आगंतुकों के लिए आमंत्रण पत्र या प्रवेश पत्र की व्यवस्था होगी, जिसे जिला स्तर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से 60,000 से अधिक की भीड़ को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए ये संख्या और ज्यादा हो सकती है। महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने भी तैयारियों को लेकर वर्चुअल बैठक की। पार्टी स्तर से एक पत्रक भी भेजा गया है। इसके अलावा शपथ ग्रहण के लिए 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्रियों सहित कई वीआईपी को न्योता दिया गया है। बीजेपी संगठन ने बीजेपी शासित देश के 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्रियों को बुलावा भेजा गया है। इसके साथ ही यूपी के बड़े उद्योगपति और आईएमए को शपथ ग्रहण का बुलावा भेजा गया है।
वहीं नाथ संप्रदाय समेत सभी बड़े मठों के साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। बाबा रामदेव मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार समेत देश के कई राज्यों से जुड़े संतों को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है। बता दें कि शपथ ग्रहण को लेकर एयरपोर्ट से इकाना और बीजेपी कार्यालय तक विशेष रूट पर सजावट जारी है। लखनऊ में करीब 130 चौराहे सजाए जाएंगे और इसके लिए यूपी के चुनावी अभियान में लगे 2500 प्रवासी कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक लखनऊ में आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के सभी जिलों, मंडल और शक्ति केंद्रों तक के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। इसके लिए बाकायदा जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सूची बनाकर प्रदेश मुख्यालय में भेजे ताकि उसी अनुसार व्यवस्थाएं की जा सके। भाजपा के निर्देश के मुताबिक तय हुआ है कि जिस दिन शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा उस दिन 8 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रदेश के सभी शक्ति केंद्र स्तर पर कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों के मंदिरों में लोक कल्याण के लिए पूजा अर्चना करेंगे। बहरहाल लगातार जारी तैयारियों के बीच मंत्रिमंडल की लिस्ट को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस सस्पेंस से पर्दा तो 25 मार्च को ही उठेगा कि आखिर कौन से मंत्री को किस विभाग की कमान सौंपी गई है। प्राइम टीवी के लिए अनुष्का सिंह की रिपोर्ट। हमारे खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की और ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।